पीछे भाई, मोबाइल पीछे, भैया मोबाइल पीछे। टेक्नीशियन और भोजपुरी इंडस्ट्री से जितने भी हमारे मित्र हैं, दर्शक हैं, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भोजपुरी समाज जो भी देखे होंगे फिल्मों में बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, तो उसको अब नए सिरे से लोग देखना चालू कर दिए हैं। नई चीज़ें आ रही हैं, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उसके साथ हमारे समाज और हमारी जो इंडस्ट्री है उसको बदलना, तभी जाके कुछ इंडस्ट्री का विकास होगा। जहाँ तक मेरे बर्थडे के बाद, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सभी साथियों का, सभी भाइयों का, कि इस अच्छे मौके पे, इस पावन मौके पे, इस मेरे खुशी के मौके पर आप लोग शरीक हुए, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। और मैं तहे दिल से आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग मेरा सेलिब्रेशन अच्छे ढंग से मना रहे। बर्थडे है रत्नेश जी का, आप सब उपस्थित हुए, क्या शुभेच्छा देना चाहेंगे? रत्नेश जी मेरे भाई हैं और उनके जन्मदिन पे मैं उनको ढेरों सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि ईश्वर उनको लंबी उम्र खुशहाली के साथ दे। नई मूवी भी वो लॉन्च कर रहे हैं आज उनके जन्मदिन के अवसर पर, उसके लिए क्या कहें? देखिए, उन्होंने अपने जन्मदिन पे ही, दरअसल ऐसा है कि मेरा जन्म तारीख 3 नवंबर था और उस दिन इस फिल्म की अनाउंसमेंट दिए थे उन्होंने, और आज उनका जन्मदिन है 11 तारीख, और आज उस फिल्म की मुहूर्त भी हो रही है। फिल्म का टाइटल है जय 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 जय। तो मैं खुद ही उसका लेखक निर्देशक, हम लोग इस फिल्म को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और ईश्वर से कामना करते हैं कि हमारी पूरी टीम को सफलता मिले, हम अच्छे काम करें। सर, जैसा कि पोस्टर में दिख रहा है, तो क्या इसमें मतलब कुछ नागलोक की कहानियाँ पर आधारित फिल्म दिखाई जा रही है? देखिए, कहानी तो ऐसा है कि नागलोक की कहानी नहीं है, नागिन की कहानी तो ज़रूर है। वजह यह है कि नॉर्मल स्क्रिप्ट तो सब लोग कर ही रहे हैं, करते ही हैं, तो हमने सोचा कि कुछ अलग तरह से नाग नागिन में ही फिल्म बनाया जाए, और मैं इस स्क्रिप्ट को, इस फिल्म को एक रूप देने के लिए, जितनी नाग नागिन की फिल्म है, चाहे वो पाकिस्तानी लैंग्वेज में बनी है, साउथ में बनी है, अपने भोजपुरी फिल्म में बनी है, उस सारे फिल्मों को मैंने देखा कि कौन क्या बना है, किस तरह से बनाए हैं, और उसके बाद मैंने जय जय फिल्म की टाइटल है उसके स्क्रिप्ट बनाया हो। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अलग तो फिल्म नाग नागिन के होते हुए भी कुछ अलग होगी। क्या कहना चाहूँगा? रत्नेश जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, रत्नेश जी के पास ढेर सारी शुभकामनाएं, सामने देखिए बहुत सारी खुशियाँ उनके लिए हो। और अभी मैं भी एक प्रोड्यूसर हूँ, रत्नेश जी भी एक प्रोड्यूसर हैं, उनकी आने वाली फिल्मों के लिए, उनके कैरियर के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं।
रत्नेश जी ऐसे ही तरक्की करते रहे, बहुत अजीज हैं हमारे तो उनको बहुत सारी बहुत सारी रत्नेश भैया को हार्दिक शुभकामना देता हूँ। तो जिए हजारे साल, खूब जिए, मस्त रहें और अच्छा काम करें। हमारे साथ में बड़े भैया हमारे पिंटू भैया आए हैं, एडवोकेट साहब अकूल भैया हैं, हमारे अरुण काका जी हैं और तमाम इतने बड़े बड़े लोग हैं, राजन जी हैं, भोजपुरी डिस्ट्रिक्ट के टॉप विलन हैं, मनोज चौधरी जी हैं, बहुत सारे लोग आए हैं। मैं यही कहूँगा कि उनके जन्मदिन के मौके पर ढेर सारी शुभकामनाएँ, उनकी जो आगामी फिल्म है बहुत अच्छे से बने, बहुत अच्छे से रिलीज हो और शुभकामनाएँ।